तो ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे आप अपने कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को जो है अपने कमांड प्रॉम्प्ट से जो है शट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा जो है आपको वहाँ पर कमांड लिखना है दोस्तों, जिससे कि जो आप अपने जो है सिस्टम को जो है शट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं कैसे जो है हम आप अपने सिस्टम को जो है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को जो है कमांड प्रॉम्प्ट से जो है शट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे वीडियो जो है ट्यूटोरियल तरीके के आपको इस चैनल पे जो है मिलती रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर वीडियो सबसे पहले जो है आपको अपने जो है कमांड प्रॉम्प्ट को जो है यहाँ से ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे आप टाइप करोगे कमांड, तो देखिए ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे जब आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे तो दोस्तों, इसे जो आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके भी खोल सकते हैं, नॉर्मल भी खोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर नॉर्मली खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप नॉर्मली यहाँ पर जो है कमांड प्रॉम्प्ट को आप अपने ओपन करोगे, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे देखिए कि ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है आपको ओपन हो गया है। यहाँ पे जो है शट डाउन करने के लिए आपको जो है छोटा सा कमांड लिखना है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शट डाउन स्पेस फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे करना है मैं क्या शट डाउन। तो यहाँ पे लिखना है शट डाउन, शट स्पेस फिर फॉरवर्ड स्लैश फिर फोर्स फिर जो है स्पेस फिर फॉरवर्ड स्लैश फिर टी। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि जो है इनके फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। जैसे कि जो है शट डाउन हमने लिखा शट डाउन करना है, तो शट डाउन जो है इसमें एस जो है फॉरवर्ड स्लैश वो शट डाउन के लिए है, एफ जो है फॉरवर्ड एफ इस ये है हमें जो है फोर्स स्टॉप करने के लिए जो है फोर्स स्टॉप करके जो है हमें शट डाउन करने के लिए, और ये टी है ये टाइमर है। तो दोस्तों, इसमें जो टाइमर है वो टाइमर नॉर्मली जो है आपको जो है यहाँ पे 60 सेकेंड का जो है एक मिनट बनता है। तो इसी हिसाब से जो है आपको यहाँ पे जो है टाइमर देना है वो सेकंड के हिसाब से देना है। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे जैसे टाइमर दे देता हूँ 3 मिनट का, तो 3 मिनट का दोस्तों 60 सेकंड के हिसाब से कितना होगा, स्पेस देखिए यहाँ पे देना है हमें जैसे 180 सेकंड। तो 180 सेकंड का क्या होगा हमारा 3 मिनट। तो जैसे हम 3 मिनट करके जो है एंटर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज शो होता है, विंडोज़ विल शट डाउन इन 3 मिनट्स। तो शट डाउन विल स्टार्ट ऑन ट्यूजडे February 12, 2019 10:52 पर जो है ये यहाँ से जो है हमारा कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है इस तरीके से जो है आप 3 मिनट में जो है शट डाउन कर देंगे। तो लेकिन जगह हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जो है यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कैंसिल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर आपको जो है स्पेस दिए बिना जो यहाँ पर लिखना है शट डाउन डाउन स्पेस फिर फॉरवर्ड स्लैश फिर ए। तो ये ए है वो अबॉट, अबॉट में दोस्तों ये कैंसिल कर देगा। जैसे हम जो है ए लिख के जो है एंटर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है एक मैसेज शो हुआ है, द शेड्यूल्ड शट डाउन हैज़ बीन कैंसिल। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है ये हमारा कैंसिल हो गया है शट डाउन। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप कमांड प्रॉम्प्ट से जो है अपने कंप्यूटर को जो है शट डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ट्यूटोरियल्स और भी जो है इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं और होते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, यहीं पर मिलते हैं सभी अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, और देखिए हमारे चैनल के और वीडियोस को, मिलते हैं, जुड़े रहिए चैनल के साथ।